सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड, वेलकम बैक टू आवर शुरू व्लॉग्स। और आज का व्लॉग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है, बिकॉज आपने थंबनेल में देखा 30 मतलब जो माय फर्स्ट व्लॉग बोल के, तो ये वाला वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, आपके लिए मोटिवेशन होने वाला है। तो मैं खुद का लाइफ का एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत शेयर करूँगा। सो गाइस, बहुत लोग मतलब सोचते हैं कि मतलब एक नया चैनल खोला जाए जो कि व्लॉगिंग के ऊपर है, तो वो लोग मतलब क्या करते हैं कि एक दो दिन या फिर 3-4 वीडियो डालने के बाद मतलब वो लोग का एक मतलब अंदर आ जाता है कि बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स गेन नहीं हो रहे हैं। तो उसके टॉपिक पे आज बात करेंगे। और मेरा भी एक्सपीरियंस मतलब मेरा तो लगभग 4 या 5 मंथ्स हो गया इस प्लेटफॉर्म पे, तो मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहता है और अभी मतलब फ़िलहाल कितने सब्सक्राइबर्स 1000 सब्सक्राइबर होने में कितने बाकी है, तो वो सब भी शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ब्लॉगिंग के अगर बात करें तो आपका बहुत सारा टाइप का ब्लॉगिंग होता है, तो मेरा एक वो मोटो ब्लॉगिंग है। तो आप अगर चाहते तो लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग या फिर मतलब मोटो ब्लॉगिंग भी दोनों कर सकते हैं। तो मेरा दोनों सेम होता है, अगर मैं लाइफस्टाइल भी थोड़ा बहुत बनाता हूँ और थोड़ा बहुत मोटो ब्लॉगिंग भी बनाता हूँ, तो उसके वजह से मतलब कुछ कुछ अगर होते हैं तो लाइफस्टाइल देखना चाहते हैं और कुछ कुछ मतलब मोटो ब्लॉगिंग देखना चाहते हैं, तो वो दोनों एड ऑडियंस को मैं थोड़ा बहुत कैप्चर कर पाता हूँ। सो गाइस, मैंने अपना यूट्यूब चैनल अगस्त को खोला था और मेरा पहला ब्लॉग तो मतलब बहुत 2 साल पहले ही डाला था, बहुत सारा ब्लॉग था। तो मेरा पहला ब्लॉग था वो कुछ टॉपिक पे ऊपर था, अभी मतलब 2 ही ब्लॉग है जो कि 2 ईयर्स पहले है, बिकॉज बाकी सब में कॉपीराइट आ गया था, सो उसके वजह से मुझे डिलीट करना पड़ा था। बट अभी जो ब्लॉग है वो मतलब रेगुलर डाल रहा हूँ मैं। सो गाइस, 4-5 महीना जब मैंने काम किया तो पहले स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत सारे मतलब एक्सक्यूजेस मिले, जैसे कि तू नहीं कर पाएगा, ये क्या पागल हो, तेरा कैमरा पकड़ के कर रहा है, मत कर ये सब। सो गाइस, ये सब एक्सक्यूजेस को मैंने सोचा कि उतना मायने ना रखते हुए ये लोग को साइड करते हैं और अपना बस रेगुलर काम है, बस व्लॉगिंग करना, मुझे बस सब्सक्राइबर के पीछे नहीं भागना या फिर व्यूज़ के पीछे नहीं भागना, मुझे मतलब व्लॉगिंग करके अच्छा लगता है और आप लोगों को दिखाने में और एक्सप्लोर करने में नए नए जगह जाके और मोटो व्लॉगिंग करके मुझे राइड भी करके बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अभी सब्सक्राइबर या फिर व्यूज़ या फिर कुछ फर्स्ट टाइम वगैरह का पीछे नहीं भाग रहा हूँ, बिकॉज़ अगर आप ये सब देखने जाएंगे व्यूज़ वगैरह सब्सक्राइबर वगैरह तो आपका ही लॉस होगा, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो कि डिमोटिवेट हो जाते हैं, व्यूज़ वगैरह नहीं आता है, सब्सक्राइब वगैरह गेन नहीं होता है। बट इसमें थोड़ा आपको सब्र करके रखना पड़ता है, बिकॉज़ ये प्लेटफॉर्म वो नहीं है कि आपको एक ही बार में उठा देगा, कुछ कुछ का है जो कि एक ही दिन में मतलब मोनेटाइज वगैरह हो जाता है चैनल वगैरह। सो इसलिए मैं ये ब्लॉग लाया हूँ, क्योंकि आप भी मतलब ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो मतलब रेगुलर एक बेसिक बना के रखना पड़ेगा कि रेगुलर वीडियो डालो, रूटीन की तरह बना के रखो, रेगुलर ब्लॉग डालो, उसका ब्लॉगिंग कंटेंट जो है वो कंटेंट अच्छा होना चाहिए और आपका मतलब एक ही नीच पे होना चाहिए। और आप अगर चाहो तो एक अट्रैक्टिव सा थंबनेल बना लो, जो कि मतलब बहुत सारा वीडियोस बनाया चुका है जो कि यूट्यूब में थंबनेल वगैरह कैसे बनाते हैं, तो जाओ जाके देख लो, बहुत सारा वीडियोस ऑलरेडी बन चुका है। सो गाइस, एक और बात बोला था, मैं जब मतलब रेगुलर वीडियोस डाल रहा था तो आप मतलब हो सके तो शॉर्ट्स भी डालो, बिकॉज शॉर्ट्स का भी रीच आजकल मतलब बहुत ज़्यादा, ये तो मतलब टेक चैनल नहीं है बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी ब्लॉगिंग लाइन का हूँ, मेरा भी बहुत 4-5 महीना मतलब इसमें इन्वॉल्व होके थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आया, वही मैं शेयर कर रहा हूँ। तो भाई शॉर्ट्स भी डालो, बिकॉज शॉर्ट्स का भी रीच बहुत ज़्यादा है, मुझे मतलब पर्सनली शॉर्ट्स का फीचर बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मैंने एक शॉर्ट्स डाला था जिसमें 235K व्यू, तो इसीलिए मतलब शॉर्ट्स का रीच से आपको सब्सक्राइबर वगैरह सब गेन होगा। तो भाई शॉर्ट्स पे भी ध्यान दो थोड़ा बहुत और कंटेंट अच्छा रखो, बस ये बोलना। तो भाई इतना ही था, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट मोटो व्लॉग पे, बिकॉज मोटो व्लॉग मैं ज़्यादा देर से डाल नहीं रहा, तो मैं सोचा कि थोड़ा बहुत मोटो व्लॉग डाल दूँ। तो टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।